Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. Today's topic is Are Great Men? Learning topics, social reformers, great scientists, popular kings. Besides religious leaders, there have been many social reformers who fought against the evils in our society. They tried to change the thinking of the people. The most prominent among them are Raja Ram Mohan Roy, Swami Vivekanand, Sir Sayyid Ahmed Khan, Kabir and Ramabai Ranade. तो हमारे देश में अलग अलग लीडर्स के अलावा कुछ ऐसे भी जानी मानी हस्तियां हैं जिन्होंने बुराई के खिलाफ आवाज उठाई, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, सर सैयद अहमद खान, कबीर एंड रामाबाई रानड़े. सोशल रिफॉर्मर्स. राजा राम मोहन रॉय, he is called the father of modern India. Raja Ram Mohan Roy was born in Bengal. Those days India was ruled by the British. The main social evils in our society at that time were the practice of sati, child marriage and illiteracy. He fought against these evils. Raja Ram Mohan Roy supported the remarriage of widows. Raja Ram Mohan Roy founded the Brahmo Samaj to reform the evils in our society. जो राजा राम मोहन रॉय है उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है. हमारे देश में उस टाइम पर जितने भी सोशल इविल्स थे, जैसे कि सती प्रथा, डाउरी, इलिटरेसी, इन्होंने उनके खिलाफ आवाज उठाई. इन्होंने ये भी कहा कि जितनी भी विधवाएं होती हैं यंग एज में जिनकी पतियों की डेथ हो जाती है, उनकी री मैरिज करना कोई भी गलत काम नहीं है. ब्रह्मो समाज की स्थापना भी इन्होंने ही करी थी, जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारे सोशल लेवल्स के अगेंस्ट फाइट करा था. स्वामी विवेकानंद. स्वामी विवेकानंद वॉज अ स्पिरिचुअल मास्टर. ही पेव्ड वे फॉर द स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट ऑफ द इग्नोरेंट मासेस. ही प्रीच्ड वेदांतिक फिलोसफी ऑल ओवर द वर्ल्ड. ही फाउंडेड द रामकृष्ण मिशन. ही वॉज श्री रामकृष्ण परम हंसाज डिसाइपल. जो स्वामी विवेकानंद थे वो एक स्पिरिचुअल मास्टर थे. इनके जो गुरु थे उनका नाम था श्री रामकृष्ण परमहंस, और इन्होंने रामकृष्ण मिशन को लॉन्च किया था जिसके तहत इन्होंने अलग अलग मासेस को अपलिफ्ट करा था स्पिरिचुअल टीचिंग्स के थ्रू. सर सैयद अहमद खान. सर सैयद अहमद खान वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर हु सर्व्ड द कॉज ऑफ द मुस्लिम. ही अपोज्ड टू द पर्दा सिस्टम एंड एनी अदर टाइप ऑफ इनजस्टिस अगेंस्ट विमेन. He worked in the field of education. Sir Sayyid Ahmed Khan founded a college at Aligarh, which is now famous as the Aligarh Muslim University. जो सर सैयद अहमद खान थे इन्होंने मुस्लिम्स के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के सोशल रिफॉर्म्स करे, जैसे कि इन्होंने पर्दा सिस्टम के खिलाफ सख्त आवाज उठाई, और उस टाइम पे जितनी भी चीजें प्रेविलेंट थी औरतों के खिलाफ, उन सब के खिलाफ भी इन्होंने आवाज उठाई. अलीगढ़ में इन्होंने एक यूनिवर्सिटी की स्थापना करी जो आज की डेट में जिसका नाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी. कबीर. Kabir spread his thoughts through his dohas, bhajans and songs in a very simple language. He was against the differences on the basis of caste and religion. He preached that God is one and there should be brotherhood among all. He was the disciple of Sri Ramananda. Jo Kabir the, unhone apni teachings ko doha, bhajans mein simple languages ke through spread kara, aur inka manna tha ki jitni bhi bhedbhav hote hain aapke jati prati ke wajah se, wo sare बेबुनियाद हैं, और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई. उन्होंने कहा भगवान एक है और इसीलिए जितने भी लोग हैं वो सारे एक समान उनको देखना चाहिए. रामाबाई रानड़े. रामाबाई रानड़े वॉज अ वेल नोन सोशल रिफॉर्मर ऑफ महाराष्ट्र. शी स्पेंट हर लाइफ इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ वुमेन इन इंडिया. रामाबाई रानड़े सेट अप द पूना सेवा सदन. इट हेल्प द विडोज बाय प्रोवाइडिंग द सूटेबल जॉब्स. इट ऑल्सो वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द ऑर्फन्स. जो रामाबाई रानड़े थी वो सोशल रिफॉर्म करती थी महाराष्ट्र जैसी जगहों में. इन्होंने पूना सेवा सदन की स्थापना करी थी जहां पर जितनी भी विधवाएं थी या फिर जितने भी ऑर्फन्स थे जिनके माँ बाप थे जिन बच्चों के, उनको श्रेय दी और उनके वेलफेयर के लिए काम किया. ग्रेट साइंटिस्ट्स. इन इंडिया देयर हैव बीन मेनी स्कॉलर्स एंड साइंटिस्ट्स हु हैव मेड ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन साइंस, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी. आर्यभट्ट एंड वराहमिहिरा वर वेरी लर्न्ड एस्ट्रोनॉमर्स. दे कुड स्टडी स्टार्स विद ग्रेट एक्यूरेसी. द एंशिएंट इंडिया वॉज हाईली डेवलप्ड इन मेडिसिन एंड सर्जरी. सुश्रुता एंड चरका वर फेमस सर्जन्स एंड फिजिशियंस रिस्पेक्टिवली हु वर मच
अहेड ऑफ देयर टाइम्स. तो हमारे देश में पहले बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने साइंस, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी में अलग अलग टाइप की अचीवमेंट्स हासिल करी. आर्यभट्ट, वरमीरा जैसे जो लोग थे वो एस्ट्रोनॉमी में बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त थे, जो जितने भी स्टार्स थे उनको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते थे. नॉलेज कॉर्नर. चरका इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिजिशियंस. जो चरका है उनको फादर ऑफ इंडियन फिजिशियंस का खिताब दिया गया है. इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज गिवन टू द वर्ल्ड बाय द इंडियन थिंकर्स. द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स ऑफ राइटिंग द डिजिट्स फ्रॉम जीरो टू नाइन ऑल्सो बिकेम द बेसिस ऑफ मैथमेटिक्स. द अरब ट्रेडर्स लर्नड दीज मैथमेटिकल सिस्टम्स फ्रॉम इंडिया एंड टुक देम टू द यूरोपियन कंट्रीज. जो जीरो की इन्वेंशन है वो भी इंडियन थिंकर्स ने ही करी है, और जिस तरीके से इंडियन न्यूमरल सिस्टम डिवेलप हुआ था जीरो से लेकर नाइन तक लिखने का, वही बेसिस बना आगे चल के मैथमेटिक्स को अलग अलग टाइप की डिस्कवरीज देने में. जितने भी यूरोपियन ट्रेडर्स थे, अरब ट्रेडर्स थे, वो इंडिया से ही उन्होंने ये सारा मैथमेटिकल न्यूमरल सिस्टम लिया और यूरोपियन में जाकर स्प्रेड कर दिया. द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो वॉज बॉर्न इन आर कंट्री इंडिया. इन मॉडर्न टाइम्स द इंडियन साइंटिस्ट लाइक सीवी रमन, जेसी बोस, होमी भाभा एंड विक्रम साराभाई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द फील्ड ऑफ मॉडर्न साइंस. जो जीरो की इन्वेंशन है वो भी हमारी कंट्री में हुई है. उसके अलावा हमारे देश में अलग अलग टाइप के बहुत ही विद्वान साइंटिस्ट थे, जैसे कि होमा भाई, जेसी बोस, जिन्होंने मॉडर्न टाइम्स में जितनी भी साइंटिफिक डेवलपमेंट के एडवांसमेंट हुई है उसका बेसिस दिया है. सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज 1930 फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ अ फिनोमिनन कॉल्ड द रमन इफेक्ट. जो सीवी रमन थे उनको 1930 में नोबेल प्राइज से नवाजा गया था क्योंकि उन्होंने एक फिलोसफी दी थी जिसका नाम आगे चल के रखा गया रमन इफेक्ट. होमी भाभा. सर होमी भाभा वॉज अ वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ एटॉमिक एनर्जी. ही वॉज द जीनियस बिहाइंड द सक्सेस ऑफ द इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम. होमी भाभा फाउंडेड द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च विद द हेल्प ऑफ जे आर डी टाटा. जो होमी भाभा थे वो हमारे देश के बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, वर्ल्ड वाइड इनको जाना जाता था, और हमारे देश में जो एटॉमिक रिसर्च प्रोग्राम्स की सक्सेस है वो इन्हीं की वजह से हुई है. APJ Abdul Kalam. Our former president APJ Abdul Kalam is the pride of India. He is the only Indian scientist after CV Raman to get the award of Bharat Ratna. The Bharat Ratna was conferred on Dr. APJ Abdul Kalam on 26th November 1997. He is also known as the Missile Man of India. हमारे देश के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनका नाम है APJ Abdul Kalam, CV Raman के बाद ये पहले ऐसे भारतीय बने जिनको भारत रत्न से नवाजा गया था. इनको Missile Man of India भी कहा जाता है. Popular Kings. Ashoka. King Ashoka was a great Indian ruler who ruled over India about 2000 years ago. He fought and won many battles. After one such battle at Kalinga, the sight of thousands of dead and injured people made him very sad. He gave up war and became a follower of Gautam Buddha. King Ashoka later became a Buddhist. The Kalinga War and Gautam Buddha's teaching transformed Ashoka and he became an embodiment of कंपैशन. किंग अशोका जो हमारे देश के एक बहुत ही महान रूलर रह चुके हैं, बहुत सारे बैटल भी इन्होंने जीते हैं. ऐसी ही एक युद्ध हुआ था कलिंगा में जिसके बाद इनको इन्होंने झंझोड़ के रख दिया था क्योंकि बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी और बहुत सारे लोग जख्मी हो गए थे. उसके बाद से इन्होंने ये सारी चीजें छोड़ दी, लड़ाई और युद्ध छोड़ दिया और गौतम बुद्ध की सारी टीचिंग्स को फॉलो करने लगे. He worked for the welfare of his people. He built roads, wells, dharmshalas and hospitals. Emperor Ashoka got the teachings of Buddha carved on pillars and rocks. Sarnath near Varanasi is one of the most famous Buddhist monasteries built by Ashoka the Great. उसके बाद इन्होंने लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया, रोड्स बनाई, अलग अलग टाइप की बिल्डिंग्स बनाई, हॉस्पिटल्स बनाए, धर्मशाला बनाए और जितनी भी महात्मा बुद्ध की टीचिंग्स थी उनको रॉक्स पे कार्व कर दिया. सारनाथ जो कि वाराणसी में है वो भी एक एग्जाम्पल है जो कि अशोका द ग्रेट ने बनवाया था. कृष्ण देव राया. ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ द किंगडम ऑफ विजयनगर इन साउथ इंडिया अबाउट 500 years ago. ही बिल्ट मेनी ब्यूटिफुल बिल्डिंग्स एंड टैंक्स फॉर हिज पीपल. ही एनकरेज्ड
trade to make his kingdom prosperous. The king Krishna Dev Raya was a great poet and wrote many books in Telugu. Krishna Dev Raya, जो कि South India में rule करते थे, इन्होंने लोगों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी चीजें करी, hospitals बनवाए, roads बनवाए, tanks बनवाई, बहुत सुंदर-सुंदर buildings बनवाई, जिसकी मदद से tourists आते थे और इनका जो kingdom था, वो बहुत ही ज़्यादा prosper होने लग गया था. Akbar. Emperor Akbar ruled over India for about 400 years ago. He was only 13 years old when he became the Emperor of India. Akbar built many beautiful buildings. He respected all religions. He encouraged art, music and literature. Akbar had many learned men in his court. Birbal, Tansen, Mansingh and Todarmal were among the nine jewels of his court called Navratan. Jo Akbar the, unhone bhi hamare desh pe kareeban 400 saal pehle raj kiya tha. Inhone bahut sundar buildings banayi thi, logo ke welfare ke liye kaam kiya tha aur inke court mein, inke shasan mein jo का राजमहल था, वहां पे बहुत सारे बुद्धिमान लोग थे, जिसमें से कि उनके नवरत्न भी शामिल थे, जिनमें बीरबल, तानसेन, मानसिंह, टोडरमल जैसे ज्वेल्स शामिल थे. Now I know Raja Ram Mohan Roy is called the father of modern India. Sir Sayyid Ahmed Khan was a well-known Muslim social reformer. Ramabai Rani spent her life in improving the condition of women in India. Aryabhatta and Varahmihira were well-known astronomers of India. C.V. Raman was awarded the Nobel Prize for his discovery of the Raman effect. Swami Vivekananda preached Vedantic philosophy all over the world. Ashoka gave up war and adopted Buddhism. So students, this chapter में हमने जाना कि किस तरीके से राजा राम मोहन रॉय को द मॉडर्न इंडिया का फादर कहा गया, किस तरीके से सर सैयद अहमद खान ने पर्दा सिस्टम को हटाया और अलग अलग फेमस लीडर्स ने, साइंटिस्ट ने, किंग्स ने हमारे देश के लोगों की भलाई के लिए काम किया. स्टूडेंट्स, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.